व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मेरे चैनल बने रहें। आज मैं लड्डू गोपाल के 0 से लेकर 2 नंबर तक की लड्डू गोपाल की ड्रेस, बहुत ही प्यारी सी प्रिटी सी ड्रेस लाई हूं, जो कि सिर्फ नेट और लाइन के कपड़े से मैंने इसको बनाया है। और इसके साथ मैंने ये मुकुट भी बनाया है। देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेस है। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को आप प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पीस लाइन के लिए हैं। इस लाइन से ही हम यहाँ पर बेस बनाएंगे। देखिए 2 पीस मैंने यहाँ लाइन के लिए हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। देखिए चौड़ाई मैंने इसकी 5.5 ली है, दोनों साइड से 5.5, 5.5 इंच दोनों साइड से लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों पार्ट को एक साथ रख कर इस तरह से फोल्ड करेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर अच्छे से प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे, 2.5 इंच पर हमें यहाँ पर मार्क लगा लेना है। 2.5 इंच पर इस तरह से मार्क लगाना है। और वहाँ पर मार्क लगाने के बाद देखिए मैं अभी आपको बता देती हूँ, यहाँ पर इस तरह से मार्क लगाना है। इस तरह से मार्क लगाने के बाद ठीक से हम इस लाइन को बना लेंगे। उसके बाद हम इस लाइन को कट कर देंगे। इस तरह से कट कर दिया है। देखिए इस तरह से बेस बन गया है। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस आप घर पर बना सकते हैं। अब ये सर्कल बन चुका है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और बीच में हम कट भी लगाएंगे। तो इसके लिए मैं बता देती हूँ किस तरह से इसको फोल्ड करना। अच्छे से आप एक साथ रख लीजिए इसको, फिर इसको फोल्ड कर दीजिए इस तरह से, जिस तरह से हमने पहले किया था। और यहाँ पर हमें लगभग 1/2 इंच हमने यहाँ पर कट लगाना है। 1/2 इंच पर हमें मार्क कर लेना है और फिर कट लगा देना है। सिंपली आपको कट कर देना है और इस तरह से हमारा बीच का राउंड बन जाएगा। और एक साइड का हिस्सा हमें कट कर देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें इसको कट कर देना है। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाना है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से सिलाई लगेगी। बाकी ये जो एक बीच का पैटर्न है ये हमने सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से पलट। इस तरह से आप आराम से इसको फोल्ड करिए, यार आसानी से फोल्ड हो जाएगा। मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और अच्छे से हाथ से इसको प्रेस कर दीजिए। अब हम यहाँ पर एक नेट का कपड़ा लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने नेट, इस तरह से हमने नेट के इसमें पीसेज लिए हैं। देखिए मैंने यहाँ पर येलो कलर की नेट ली, क्योंकि येलो पीस है, 3 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई है दोनों तरफ से। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने उंगली की सहायता से इसको टाइट प्रेस, इस तरह से हम प्रेस कर रहे हैं, इस तरह से इसको मोड़ेंगे। ये नेट है, थोड़ा टाइटली इसको आप रब करेंगे तब ये फोल्ड होगा। इस तरह से सिंपल कपड़ा तो आसानी से हो जाता है, नेट थोड़ा टाइट हाथ से आप करेंगे तो ये आसानी से जो है वो फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ना हो तो आप हल्का सा हाथ अपना गीला करके इसको फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से हल्का सा पानी से गीला कर लीजिए हाथ। अब इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ से इसको फोल्ड करेंगे तो बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। और इस तरह से इसको हम छोटा सा और फैदर टाइप की, हम पत्ती टाइप की बना लेंगे इसको, अच्छे से इसको पकड़ते हुए। और यहाँ पर हमने इसको सिलाई लगानी है, करते जाएंगे इस तरह से, थोड़ा बाहर निकाल के इसको रखना है। और जहाँ पर हमारा बेस का किनारा है वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। टोटल में चारों तरफ हम इस तरह से बना लेंगे। और जो नेट का कपड़ा है आप अच्छे से, मैं एक बार और बता देती हूँ, उसको अच्छे से आप टाइट प्रेस करेंगे तो आसानी से प्रेस हो जाएगा। और दोनों हाथ आप यूज़ करेंगे तो और भी आसानी से प्रेस होगा। मैंने एक पत्ती और बनाकर आपको दिखा रही हूँ किस तरह से इसको बनाना है। इस तरीके से आप इसको बना लें, इस तरह से तो मैं बना लेती हूँ। देखिए मैंने फर्स्ट लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। मुकुट में लगाने के लिए भी इसी तरह से हम और भी पीसेस बनाएंगे, मुकुट में भी लगाऊंगी और बना कर रख लेंगे। उसके बाद इस जो लाइन हमने बनाई हुई है इसकी जो एक्स्ट्रा भाग है हमारा उसको हम कट कर देंगे, उसको हम कट कर देंगे जो हमारा दिखाई नजर आ रहा है। कट करके आपको दिखाती हूँ इस तरीके से कट करना है। इसको कट कर दिया एक्स्ट्रा, इस तरह से आपको कट कर लेना है। इसे ध्यान रहे जो जो पीछे वाला जो कपड़ा है लाइन का वो ना कटने पाए। इस तरह से आप आराम से कट करेंगे तो ये आसानी से कट जाएगा। फिनिश कर दी, चारों तरफ से कट कर लेते हैं। फिनिश कर लेती हूँ कट करके। देखिए मैंने चारों तरफ से कट कर लिया है। इस तरह से आपको कट कर लेना है। इस तरह से ये बेस बनेगा। इस तरह के पीसेस और बनाएंगे
और इसी तरह से हम इस लाइन को इतना सेकंड लाइन इस तरह से हम बनाएंगे, इस तरह से यहाँ से लिपकर यहाँ इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, बना लेंगे। तो मैं स्टिच कर रही थी, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए मैंने ये सेकंड लाइन भी कंप्लीट कर ली है और इसी तरह से, हमें ये थर्ड लाइन भी कंप्लीट कर लेनी है। थर्ड लाइन भी हम कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा किनारे पे सिलाई आएगी इसकी, आ जाएगी चारों तरफ। हम इसी तरह से इसको बना लेंगे पार्ट है हमारा उसको, और जो किनारे किनारे है वहाँ पर हम डबल सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो अगर पीछे से देख लें कि वहाँ सिलाई लगी है या नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर नेफा बनाएंगे। पट्टी काटी है नेफे के लिए, मैंने जो कपड़ा यूज किया है चौड़ाई काटी है, उसकी चौड़ाई 2 इंच है, लगभग 1.5 से 2 इंच आप रखें। तो देखिए मैं यहाँ पर नेफा आपको बता देती हूँ किस तरह से लगाना है। 2 इंच हमने इसकी लंबाई काटी है, इसको हमें फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको इस तरह से लगाऊंगी, यहाँ से लेकर यहाँ सिलाई लगाऊंगी इसमें चारों तरफ, और उसके बाद उल्टी साइड में, चाहे तो आप उल्टी साइड में से रख सकते हैं, आप सीधी साइड में से भी रख सकते हैं। तो मैं इसको सीधी साइड से रख रही हूँ, इस साइड से इस तरह से मैं इसको यहाँ रखूंगी। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको मैं निकाल दूंगी। यहाँ पर रखने के बाद मैं इसको दोबारा सिलाई यहाँ पर इस तरह से लगाऊंगी। तो पहले मैं यहाँ से यहाँ तक इसको सिलाई कर लेती हूँ, और साथ ही साथ ही हमें इसमें अंदर की साइड डोरी डाल लेनी है। देखिए इस तरह से हमें पहले इसमें डोरी डाल लेना है, इस तरह से। और अब आपने लगभग इतना इसको सिल देना है, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट हम काट देंगे। उसके बाद मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी। तो मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेती हूँ। देखिए मैंने सिल लिया और एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट भी कर दिया है, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। हम इसको इस तरह से टाइट करके और इनको 0 से लेकर 2 नंबर के लड्डू गोपाल को हम फिट कर सकते हैं। आराम से आएगी ये ड्रेस 0 से लेकर 2 नंबर के लड्डू गोपाल को फिट आएगी एकदम से। तो ये हमारा बेस रेडी हो गया है बिल्कुल परफेक्ट। और अब हम बनाएंगे इनकी पगड़ी और चोली। तो चोली के लिए मैंने यहाँ पर 2 नेट के कपड़े यूज किए, मैं सिर्फ नेट यूज करूंगी। और उसके लिए हमने इसकी लंबाई ली, चौड़ाई ली है 2.5 इंच की चौड़ाई और लगभग 4 इंच की लंबाई है। तो हमें इसकी दो पट्टियां ले लेनी है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से मोड़ेंगे हम, आराम से इस तरह से मोड़ना है बस, और एक बार दो बार इसको फोल्ड कर देना है। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों में हम सिलाई लगा लेंगे, दोनों पट्टियों में। एक दोनों पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब दोनों पट्टियों को हमने इस तरह से लेना है और यहाँ पर हमने बीचों बीच में इसको यहाँ अटैच कर देना है। आप पहले यहाँ पर एक सिलाई लगा लें, थोड़ा सा यहाँ पर सिलाई लगा लें, उसके बाद यहाँ पर बीचों बीच में इसको यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर देना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर दिया है। और अब हम पगड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लाइन की पट्टी ली है 2.5 इंच जिसकी चौड़ाई है और लंबाई है 5 इंच, सेम 2.5 इंच 5 इंच की ये हमने नेट ली है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और इसको अच्छे से प्रेस करके यहाँ रख देंगे एक साइड में। उसके बाद हमें इस जो पट्टी ली है हमने, इसके हमने 2 भाग कर देने हैं बराबर बराबर इस हिस्से करके, 2 भागों में हम इसको कट कर देंगे। देखिए इस तरह से कट कर देना है। और जो हमने ये पट्टी ली है इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, नेट को ऐसे डबल करेंगे और यहाँ पर हम इसको रख देंगे इसके ऊपर ऐसे। फिर हम ये दूसरी पट्टी लेंगे, यहाँ स्टिच कर देंगे पहले इसको। पहले मैं स्टिच कर देती हूँ फिर बताती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने ये स्टिच कर दी है और ये दूसरा भाग है, इसको हम कलगी के लिए रखेंगे। तो देखिए कलंगी बनाने के लिए मैंने ये रखा है और ये पार्ट्स रखे हैं जो मैंने जिस डिज़ाइन से मैंने ये बनाया था। तो इस तरह से इसको पकड़ना है और जो ये वाला पार्ट है जहाँ पर हमने मोड़ रखा है ये,
उस पार्ट को हम लेंगे, ये देखिए ये वाला पार्ट हमने मोड़ रखा है, इस वाले पार्ट को इस तरह से लेंगे और ये वाला भाग हमें इस तरह से पकड़ना, और ये आपकी जो थंब है, आपका जो अंगूठा है, उसके नाप से आप इसको इस तरह से स्टिच कर लें, उसके नाप से आपको यहाँ स्टिच कर लेना है इधर, और फिर इसको बैक साइड में ले जाकर यहाँ पर इस तरह से ले जाकर शेप देते हुए पहले आप यहाँ स्टिच कर लें, उसके बाद शेप देते हुए इसको स्टिच करें और एक्स्ट्रा जो निकल रहा हो उसको कट कर दें। तो इस तरह से इसको आप स्टिच कर दीजिए। देखिए मैंने ये स्टिच कर लिया और इस तरह से मैं यहाँ पर ये फैदर लगाऊंगी, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मैं तीन फैदर यहाँ पे लगाऊंगी, और जो कली के लिए मैंने कपड़ा यहाँ पर छोड़ा हुआ है, और कलगी बनाने के लिए आप सुई धागे से स्टिच करेंगे, तो इस तरह से आप इसमें चुन्नट आप डालेंगे, प्लेट्स डालेंगे इसके अंदर, आराम से डल जाएंगी, और यहाँ से आप इसको पकड़ के स्टिच कर देंगे और उसको फिर यहाँ पर इस तरह से आप पगड़ी तैयार कर लें। मैं तीन फैदर यहाँ लगाऊंगी और ये लगाऊंगी, बाकी आप स्टोन से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसमें भी एक एक स्टोन यहाँ पर लगा दूंगी इनमें, तो इस तरह से आप इस स्टोन से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए।